हेलो एवरीवन। देखिए यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन पॉइंट बी। देखिए एक स्केयर दिया हुआ है आपको और स्केयर पे ये जो चार्जेस हैं ये इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है ना। इक्वल चार्जेस हैं और स्केयर की साइड्स भी इक्वल होती हैं और वो हमें ए दी हुई है, ठीक है। और पॉइंट बी पे, इस पे निकालना है, बी पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट बी पे आपको नेट फोर्स निकालनी है, तो इसमें तो जीरो तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, क्योंकि सेंटर पे नहीं बात की उसने, ठीक है। जबकि ये रेगुलर पॉलीगन तो है, साइड्स क्या हैं, इक्वल है इसकी स्केयर की। अगर सेंटर पे बात करता तो ये जीरो होती है, अगला क्वेश्चन वही है, उसमें जीरो होगी, ठीक है। लेकिन इसमें तो नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। देखो सबसे पहले आप क्या करो इन क्वेश्चंस के लिए, इस वाले चार्ज पे, इस चार्ज की वजह से फोर्स कहाँ लगेगी? सबसे पहले तो इधर लगेगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ सी, फोर्स लगेगी, ठीक है। और इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कहाँ लगेगी? इधर लगेगी, इसको नाम दे देता हूँ मैं एफ ए, क्योंकि ए की वजह से लग रही है इस पे, ठीक है। तो एफ ए नाम दे दिया, और पॉजिटिव पॉजिटिव है इस वजह से रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा चार्ज बचा है जो इस पे फोर्स लगाएगा? ये वाला। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, एक ऐसे एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये वाला चार्ज इसको फोर्स ऐसे लगाएगा, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ एफ डी। और ये जो दो फोर्सेस हैं, इनके जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी कहाँ बनाएगी फोर्स? इधर ही बनाएगी, जिसको मैं नाम देता हूँ एफ आर, रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर इतनी बात? इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स है वो, ठीक। तो ये मुझे पता है, एफ सी भी निकाल सकता हूँ मैं, एफ ए भी निकाल सकता हूँ, और ये एफ आर भी निकल जाएगी अंडर रूट में करके, ठीक है। और उसके बाद अगर ये एफ डी निकल जाए तो बाद में जो नेट फोर्स आएगी हमारे पास वो भी इसी साइड आएगी, एफ नेट। और वो क्या आ जाएगी? इन दोनों का एडिशन, एफ आर प्लस एफ डी का एडिशन, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो वो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी इस पे, पॉइंट बी पे। तो सबसे पहले तो हम एफ ए निकालते हैं, एफ ए क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ एफ ए की वैल्यू। एफ ए जो है वो किस किस के बीच में है? देखो ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर के, क्यू वन, क्यू टू, क्यू वन भी क्यू है और क्यू टू भी क्यू है। एक क्यू वन ये मान लो, एक क्यू टू ये मान लो, ठीक है। ओवर में आर स्केयर, आर कितना है, दूरी कितनी है, ए ए स्केयर, तो ये आ गया के क्यू स्केयर अपॉन में ए स्केयर। क्लियर इतनी बात? के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर। ऐसे ही ये एफ सी वाली फोर्स भी निकल जाएगी हमारे पास, और एफ सी फोर्स भी क्या आएगी, के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर। ये तो समझ रहे हो ना, क्योंकि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ए ही है, वही पिछले ए वाला ही सेम कंसेप्ट यहाँ होगा, ठीक है। तो एफ सी निकल जाएगी हमारे पास के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर, ठीक है। अब एफ ए और एफ सी कि रिजल्टेंट फोर्स निकली थी ये वाली, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं हम, एफ आर, एफ ए का स्केयर प्लस एफ सी का स्केयर प्लस टू एफ ए एफ सी कोस थीटा। थीटा कितना होगा? 90। वाई, ये देखो ये कितना डिग्री एंगल है, 90, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। तो दो फोर्सेज के बीच में कितना एंगल है, 90, और कोस 90 क्या होता है, जीरो। तो बचा क्या हमारे पास, यही, ठीक है। और अगर मैं ये दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, इसको भी एफ नाम दे दूं और इसको भी एफ, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, एफ का स्केयर प्लस टू एफ स्केयर, और कोस 90 होता है जीरो। तो बचा ये एफ एफ स्केयर, ये तो क्या हो गया, पूरी टर्म जीरो हो गई, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ हमारे पास, टू एफ स्केयर, और एफ स्केयर से ये रूट कट गया, तो आया क्या, एफ अंडर रूट में टू, ये बचा एफ अंडर रूट में टू। अब एफ की वैल्यू पुट कर दो इसमें, एफ की वैल्यू क्या थी ऊपर से, यहाँ से देखो बराबर ही थे ये, तो ये आ गई के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर अंडर रूट में। क्लियर इतनी बात? ये तो आई है हमारे पास एफ आर, क्लियर। अब मुझे कौन सी फोर्स निकालनी है, देखो ये वाली एफ डी वाली फोर्स, और एफ डी वाली फोर्स के लिए मुझे ये डी से लेके बी तक का डिस्टेंस चाहिए, ये तो मुझे नहीं पता, तो मैं निकाल लूंगा ये डिस्टेंस कैसे, पाइथागोरस लगा के, ठीक है। अब देखो इन ट्रेंगल डी सी बी, पाइथागोरस लगेगी, ठीक है। देखो ये 90 है, अगर क्या है ये 90 मान लिया मैंने, 90 के सामने वाला क्या होता है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटनिस। तो ये हाइपोटनिस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बेस, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हाइपोटनिस का स्केयर, दैट इज बी डी का स्केयर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर या बेस का स्केयर प्लस, और ये वाला बी सी का स्केयर, ये परपेंडिकुलर मान लो इसका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ए स्केयर प्लस ए स्केयर बी डी का स्केयर, और बी डी कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट में ए स्केयर प्लस ए स्केयर, और ये कितना हो गया, टू ए स्केयर। और अंडर रूट में टू ए स्केयर कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, देखो ए स्केयर से ये रूट कटेगा और ये ए आ जाएगा आपके पास, बचा क्या यहाँ पर, ए रूट टू। क्लियर नहीं बात? तो ए रूट टू आ गया आपके पास, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास ये कितनी आ गई, ए रूट टू। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ तक, बताओ, ठीक है। तो बस अब तो ईजी है हमारे पास एफ डी भी निकालना, तो एफ डी निकाल लेते हैं हम यहाँ से। एफ डी कितना होगा, देखो के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू और क्यू टू भी कितना है, क्यू, तो ये आ गया क्यू स्केयर अपॉन में आर स्केयर, और आर कितना है, ए रूट टू का स्केयर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, के क्यू स्केयर अपॉन में, देखो ए का स्केयर ए स्केयर और रूट टू का स्केयर, स्केयर से रूट कटेगा तो कितना आ जाएगा, टू ए स्केयर, ये वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। और अब देखो ये एफ आर और एफ डी ए की डायरेक्शन में, तो एफ नेट क्या आ जाएगा हमारे पास,
एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी, एफ आर प्लस एफ डी। अब देखो एफ आर कितना था हमारे पास, यहीं पर कर देता हूँ मैं, के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर रूट टू प्लस के क्यू स्केयर अपॉन में टू ए स्केयर। तो बस ये सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें से कॉमन देख लो बस क्या आता है। देखो यहाँ से के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर अगर हम कॉमन ले लें तो आंसर क्या आएगा अंदर, रूट टू प्लस यहाँ पर वन बाय टू, बस इतना ही कर लो, ये बहुत है यहाँ तक, ठीक है। और ये आंसर आ गया हमारे पास, एफ नेट हमारी ये आ गई, क्लियर इतनी बार, ये आंसर होगा। सिंपल था क्वेश्चन, कोई मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। अब देखो ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है वैसे, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द स्केयर। सेंटर ऑफ द स्केयर की बात कर रहा हूँ, देखो चार्जेस इक्वल है क्या, क्यू 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 क्यू, ठीक है इक्वल है। और एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि स्केयर है, जिसकी साइड कितनी है ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए मान लो, ठीक है। तो सेंटर पे निकालना है, तो मैंने आपको बताया ही था अभी लास्ट वीडियो में क्या था, कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो अगर और उसके कॉर्नर्स पे क्या हो, इक्वल चार्जेस हो, और सेंटर पे आपको फोर्स निकालनी हो, तो क्या होगी वो, जीरो होगी, तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको ये बात ऐसे लग रहा है कि नहीं ऐसे कैसे, ठीक है, तो इसमें करके भी देख सकते हो आप। देखो इसके बीच में डायगनल लगा भी, ये लो ठीक है, इधर से भी एक डायगनल, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है सेंटर में जिसमें चार्जेस अलग अलग थे, तो वहाँ पर जैसे किया था वैसे इसको करेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस सेम है, ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है, सारे डिस्टेंसेस सेम है और चार्जेस भी सेम है, तो इसका मतलब क्या, फोर्सेस भी सेम आएंगी। तो मतलब क्या, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा एफ ए, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा एफ सी, और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा तो ये लगेगी फोर्स एफ बी, और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा एफ डी, क्लियर इतनी बात। अब इनके क्या है, रिजल्टेंट फोर्सेज निकलेंगे, रिजल्टेंट फोर्सेज आप निकाल सकते हो कैसे बताओ। देखो इनमें आपको पता है ये वाली फोर्स जो ए है और ये वाली जो सी है ये सब बराबर है, तो नेट फोर्स इधर भी क्या हो जाएगी, जीरो, और इधर वाली फोर्स और ये वाली फोर्स भी क्या है, इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, जीरो, क्योंकि हमें यहाँ पता है एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ डी इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है सारी मान लो एफ है, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ के क्यू स्केयर अपॉन में, और स्केयर में क्या होता है ये बताया भी हुआ है मैंने आपको। और वैसे भी देखो मुझे पता है ये वाले में मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारे पास ए रूट टू, ए रूट टू, ठीक है, पूरी की पूरी, और ए रूट टू का हाफ करेंगे हम। देखो यहाँ मैं बताता हूँ ए रूट टू का हाफ, क्योंकि ये देखो ना ये पूरी लाइन ए रूट टू है और मुझे तो ये वाले डिस्टेंस से चाहिए ए रूट टू बाई टू, और इसको मैंने आपको बताया हुआ है ये ऐसे कर सकते हैं हम रूट टू, ये रूट टू और ये भी रूट टू, टू को लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, एक रूट टू से ये गया तो ए बाय रूट टू, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बाय रूट टू का स्केयर, और ये कितना बनेगा के क्यू स्केयर रूट टू, और ये ए का स्केयर और रूट टू का स्केयर ये टू ही आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेज एक ही हैं, है ना। अब देखो जरा यहाँ से देखो आप इस पॉइंट पे, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, एफ ए भी उतनी है एफ सी भी उतनी है, तो माइनस होंगी एक दूसरे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जीरो। यहाँ भी क्या है ये एक दूसरे के अपोजिट, तो माइनस होंगी तो क्या होगा, जीरो ही आंसर आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ नेट क्या होगी हमारे पास, जीरो, क्लियर। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये बिल्कुल एकदम दिमाग में आना चाहिए कि एक रेगुलर पॉलीगन है और चार्जेस क्या है, इक्वल, और सेंटर पे फोर्स निकालनी है, तो डायरेक्टली आंसर क्या बताओगे इसका कि फोर्स क्या होगी वहाँ पर, जीरो होगी, क्लियर। और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया ये कि कैसे जीरो है, क्लियर इतनी बात। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्केयर। अब सेंटर ऑफ द स्केयर है तो क्या जीरो लिख दें, नहीं, देखो चार्जेस देखने इक्वल है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो एक चार्ज क्या है अलग है, पोलैरिटी क्या है इसकी, माइनस में, तो अब जीरो तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो होगा, तो कुछ भी नहीं है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, देखो यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो ये मैं अगर ये डायगनल बना दूँ इसमें और ये वाला भी एक ऐसे डायगनल बना दें हम, ठीक है। देखो सभी को पता है ये चीज़, इस चार्ज बी की वजह से ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, इधर, और ये लगेगी फोर्स एफ बी। इस वाले चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, इधर, ये लगी फोर्स एफ डी, और इन दोनों की नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों होगी बताओ, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, और ये डिस्टेंस अभी मैंने निकाला पीछे क्वेश्चन में, वो कितना आया था, ए बाय रूट टू, ये है ए अपॉन में रूट टू, ये भी क्या है ए बाय रूट टू, और ये डिस्टेंस भी ए बाय रूट टू, यहाँ भी ए बाय रूट टू, ठीक है, इक्वली है ये डिस्टेंस ए बाय रूट टू, ठीक है। तो ये तो फोर्स जीरो हो गई, ठीक है, मुझे पता चला इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं तो ये जीरो हो गई, दोनों माइनस करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा और जीरो हो जाएंगी वहीं, ठीक है, क्योंकि एफ डी भी सेम होगी और एफ बी भी, दोनों सेम ही होंगी आंसर में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखते हैं ये ए पे जो चार्ज पड़ा है, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा किधर, इधर, ये फोर्स लगी एफ ए, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि माइनस है ना, अपोजिट पोलैरिटी वाला चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स लगेगी एफ सी इधर, और नेट फोर्स क्या आ जाएगी, एफ नेट, एफ ए प्लस एफ सी, ऐसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बस देखते हैं एफ ए कितना होगा, देखते हैं एफ ए किस किस के बीच में है, ये ए और दिस ओ यहाँ पर, तो के क्यू वन भी क्यू है और क्यू टू भी क्यू है, तो क्यू स्केयर अपॉन में ए अपना आर स्केयर, और आर कितना है यहाँ पर, आर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बाय रूट टू है, ठीक है, ये वाला ए, तो ये ए बाय रूट टू का स्केयर कितना आंसर आएगा, के क्यू स्केयर अपॉन में ए स्केयर, और रूट टू का स्केयर, रूट कट जाएगा और टू होगा और वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आएगा।
ऐसे ही हम निकाल लेते हैं एफ सी का फॉर्मूला भी क्या होगा, के क्यू। देखो यहाँ क्यू वन क्यू है और क्यू टू माइनस क्यू, लेकिन आपको पता है कूलम्स लॉ में हम माइनस नहीं लिखते हैं ना, नॉर्मल लिखते हैं, तो ये क्यू स्केयर ही हो जाएगा ये भी, और ए बाय रूट टू का स्केयर ये भी। कितना आंसर आएगा, ये के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर और रूट टू का स्केयर। रूट टू से रूट कटेगा ना, रूट टू में रूट स्केयर से कट जाएगा और कितना आ जाएगा ऊपर, टू आ जाएगा ये। ठीक है, नाउ नेट फोर्स, एफ नेट क्या होगी, एफ नेट बताओ, एफ ए प्लस एफ सी, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन है, इस वजह से ऐड होंगी एफ ए प्लस एफ सी। तो एफ ए प्लस एफ सी करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो टू के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर प्लस ये भी कितनी है, टू के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर। तो यहाँ से देखो कितना वैल्यू आएगी हमारे पास, बताओ, देखो ऐड कर देंगे हम, कितनी आ जाएगी ये, फोर के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर, ये इसका आंसर होगा एफ नेट का। समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रहा था कि ऐसा नहीं कि बस सेंटर पे भी देखा तो आपने बस देखते ही जीरो बोल देना, नहीं, मेन बात हम चार्जेस भी देखने की, चार्जेस कैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका ऐसा ही है, ठीक है, कैलकुलेटर नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्केयर, लेकिन यहाँ पर देखो ए और बी पे तो क्यू ही पड़ा है चार्ज, लेकिन सी पे माइनस क्यू है और डी पे भी माइनस क्यू है, अब समझ रहे हो ये बात। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ही जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन अब इसमें कोई फोर्स जीरो नहीं होगी यहाँ पर किसी भी डायगनल में, ठीक है। तो देखते हैं इस वाले में ये और ये, ठीक है, इनकी ये दूरी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो सेंटर तक इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ए बाई रूट टू सभी में, ठीक है। तो देखते हैं अब फोर्सेस, ए की वजह से ये वाला फोर्स कहाँ पर लगेगी, इस पर इसको रिपेल करेगा तो ये रही एफ ए, और ये वाला माइनस क्यू इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो ये रही एफ सी, और इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो मैं मान लेता हूँ एफ वन ऐड करके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ क्यू वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको मान लिया मैंने एफ बी, और ये वाला चार्ज मतलब ये वाला माइनस क्यू इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी फोर्स इधर लगेगी एफ डी, और नेट फोर्स में मैं इसकी कितनी मान लेता हूँ, एफ टू मान लेता हूँ, इन दोनों को ऐड करके जो आएगी, ठीक है। अब देखो एफ वन और एफ टू इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स ये आएगी आपके पास, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ एफ आर, और इन दोनों फोर्सेस में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, क्योंकि स्केयर के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में, क्लियर है इतनी बार, तो 90 डिग्री का एंगल है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, देखो ये वाली जो चीज़ थी सेम यहाँ पर, एक क्यू और एक माइनस क्यू, तो इसमें मैंने ये फोर्स निकाली थी एफ वन ऐड करके अभी अभी ऊपर, देखो सेम क्वेश्चन था ये वाला, इस साइड देखो यही सेम चीज़ थी, और मैंने एफ नेट निकाली थी यहाँ पर, वो कितनी आई थी, फोर के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर। तो ये मैं यहाँ नहीं करके दिखा रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसकी एफ वन की वैल्यू, एफ वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर। सिमिलरली ये वाला भी एक क्यू है और एक ये माइनस क्यू है, तो ये भी दोनों फोर्सेज इधर ही जा रही हैं, और एफ टू भी कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना ही होगा, फोर के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर। ये समझ रहे हो ना आप लोग बात या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ देखो ना, ये डायगनल सेम वैसे ही है जैसे ऊपर था, तो मैंने नेट फोर्स निकाल ही चुका था ऑलरेडी ये वाली थी, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया है, तो आप पेपर में तो आपको करके दिखाना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। और एफ टू भी मैंने ऐसी लिख दी यहाँ पर, समझ रहे हो। नाउ इनको एफ के इक्वल मान लूँ मैं, ठीक है, मतलब एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू किसके इक्वल है, एफ, क्योंकि दोनों बराबर ही फोर्सेस हैं। और अब ये देखो रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, एफ आर की वैल्यू देखो क्या आएगी, अंडर रूट में एफ वन का स्केयर प्लस एफ टू का स्केयर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस कितना 90, और कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो यहाँ से एफ वन की वैल्यू एफ का स्केयर प्लस एफ का स्केयर प्लस टू एफ स्केयर कॉस 90 कितना जीरो, ठीक है। बात इतनी देखो, इतना तो आप समझ पा रहे हो ना कि ये एफ आर मैं यहाँ फॉर्मूला क्यों लिखता हूँ ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये देखो ना ये दो फोर्सेस इस तरीके से हैं, एक एफ वन इधर है एक एफ टू इधर है, इनकी रिजल्टेंट फोर्स कैसे लगेगी इसमें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, वो वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने एफ वन की वैल्यू ये क्यों नहीं यहाँ लिखी, ठीक है, लिख सकते हो ये भी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि नहीं लिख सकते, ठीक है, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ कि यहाँ कंजस्टेड हो जाएगा सिस्टम, तो आप डायरेक्ट जहाँ भी फोर्सेज इक्वल आ जाए उसको एफ के इक्वल ले लिया करो, बाद में जो होगा आंसर में एफ में उसकी वैल्यू पुट कर देना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा, अब ये इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन, देखो एफ स्केयर प्लस एफ स्केयर कितना हो गया, टू एफ स्केयर, और ये तो कितनी हो गई थी टर्म, जीरो हो गई थी। तो अब यहाँ से देखो जरा, एफ स्केयर का तो एफ बाहर आ गया रूट से कट के, अंडर रूट में क्या बचा, टू। तो अब देखो यहाँ से फायदा क्या हुआ आपको, अब एफ की वैल्यू आप रखो यहाँ डायरेक्ट, क्या है एफ की वैल्यू, फोर के क्यू स्केयर बाय ए स्केयर मल्टीप्लाई बाय रूट टू, बस यहाँ तक इसका आंसर है ये, ठीक है, ये आंसर आया इसका, या नहीं एफ आर, या इसको क्या कह सकते हैं, नेट फोर्स आइए सेंटर पे, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन कर सकते हो ना आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस तरह के, ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।